क्या बात है, अज वर्जिश होनी है तेरी। जेन में था सुबह बुलाया, पराठे आएंगे, साग आएंगे, मक्खन होएगा। मैं क्या वर्जिश करने चले आ जा, हल्का ना लेना इस बंदे को। कहते शेख साहब मैं वॉक करूंगा, मेरे साथ एक गनमैन होना चाहिए और पीछे इमरजेंसी के लिए अपनी गाड़ी भी मंगवाई हो। मैं क्या पाशा, खुदा दा खौफ कर यार। भाई पसीने निकलवा दिए शेख साहब ने आज सुबह सुबह। 130 फुट पैदल चलने के बाद पाशा साहब के पसीने छूट गए। कहते हैं हेल्थी डाइट। उमर मसूद चौधरी साहब का सेब, आई मिस यू यार। अभी हम जा रहे हैं अमरूद के बाग की तरफ। नन बात है, जो इस जगह का मजा है रहने का शेख साहब, वो कहीं नहीं है। नाश्ता आपने अभी तक कराया नहीं, एक्सरसाइज पूरी करा दी है। देखो जो रिलैक्सेशन, जो मेंटली सुकून, ये ताजी हवा और इर्द गिर्द सब्जा देखकर बंदे की खोपड़ी जो है एक दफा खुल जाती है, सुकून में आ जाता है बंदा। जेन्युइनली बात है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड में खड़े हैं। देखो अगर पाशा साहब यहाँ पे 10 साल पहले आते हैं ना, ये सारे बाल जो है ना काले होते। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन मुर्गियों को मल्टीप्लाई ज्यादा करने लगा हूँ नेचुरल फार्मिंग में। हाँ मैंने वैसे मुझे मजा आता है। अच्छा ये जो आप कर रहे हो ना, ये उसका जितना दाना बचता है ना, हाँ वो सारे इधर आ रहे हैं। पाशा साहब ने आते ही पहचान लिया है कि लवबर्ड की सारा दाना यहाँ पे आ रहा है। इसका फायदा है और इसमें आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर हर चीज डेवलप। अब हमारी मुर्गियों को स्पायरोलिना, मोरिंगा, डी न्यूट्रिकल, प्राइम, फटूरा, एवी फॉर्म के तमाम दवाइयां डाल रही हैं। इनके लेंगे भी आप चेक कीजिएगा, सबसे अच्छी होगी। लोग डन फेलो के अंडे गिफ्ट करते हैं, हम मुर्गियों के अंडे गिफ्ट करने लगे पाशा को। क्या बात है यार शेख साहब, मुझे तेरी समझ में नहीं आता है। इधर उधर अब इधर क्या लिया, चार चढ़ने लगा भाई। न्यू फ्लाइट एवरी मून व्यू एवरी। यार साहब ने की पाइड भेजता है शेख साहब, मैंने साग इस सीजन में अभी लिखा है जेनुइन, और स्पेशली ये खाने के लिए इतने सारे इर्द गिर्द चारों तरफ फ्री लगे हुए हैं बॉस। क्या बात है, ऐ गंदला ना साग है दस क्या साग ही है गंदला था, फ्री वाला फ्री वाला। ठीक ठीक बहुत मजेदार है चिकन, मजा आ गया। हेल्दी डाइट, हैवी नाश्ता करने के बाद मुझे नींद आ रही है। पाशा साहब ने एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर इजाजत हो मैं ऑन कैमरा कर लूं, पर आप लोगों ने मेरे जवाब सुनना है। जी भाई मैं ये, इनको अभी तक मेरे जवाब पता नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करना है कि जो भाई कराची जा रहे हैं वहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट माल लेकर आ रहे हैं, और वो जो ब्रीड हमारे पाकिस्तान में जो ना होने के बराबर है लाकर और इस तरह चीप रेटों में बेच रहे हैं, तो मेरी तो समझ से बाहर है, मार्केट खराब नहीं कर रहे ये लोग। माशाल्लाह वाला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। देखो मैं हक इंसाफ की बात करता हूं, ये भाई और इनके एक कजन यूसुफ तारिक, देखो माइंड नहीं करना। नहीं नहीं माइंड है ही नहीं। माइंड है नहीं हमारे पास। ये 3 साल पहले 4 साल पहले 4-5 साल पहले इनकी नई नई दोस्ती शुरू हुई थी कराची के जो इंपोर्टर्स के साथ। वो बाहर से माल मंगवाते थे और ये लोकल मार्केट में बेचते थे, तो एक दो शिपमेंट का माल मैंने भी इनसे लिया हुआ है 5-6 साल पहले। तो अगर आपने जो 5 साल पहले काम किया, आपने प्रॉफिट रेशियो रखकर माल बेचा है ना, लेकिन हमने मार्केट नहीं गंदी की है। रेट गंदा ना करना वो एक अलग चीज है, लेकिन आप लोगों ने काम किया, बिल्कुल किया। अब वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं, अब एंजॉय करें। ये इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट का रास्ता दिखाया, किसी ने गोल्डन सीरीज ब्लड लाइन का नाम लेकर, लोग सारे दौड़ पड़े यूरोप की तरफ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ था, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने दिखाया लेटेस्ट म्यूटेशंस, लोगों का जो रास्ता इनको आता है वो हमें नहीं आता, पूरी दुनिया उस तरफ भाग पड़ी। अब जो लोग कर रहे हैं करो। यहां पे मैं एक बात करता हूं, लोगों को ये बात हजम नहीं होगी लेकिन ये रियलिस्टिक है, पूरी दुनिया हर मजलिस में तकरीबन मोहम्मद अवैस बैरिया वाले का नाम लेते हैं, वो ये है, वो है, वो है, वो ये है। मैं हक की बात करता हूं, मुझे 100 इख्तलाफ है उस बंदे के साथ। मैं उस वक्त उस बंदे को जानता हूं जब उसको कोई नहीं जानता था। अच्छा ये आज सब उसके दाएं बाएं बने हुए, मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूं, दिल की इज्जत भी करता हूं, लेकिन उस मैं आज इस बंदे के बारे में भी एक जुमला बोल दूं,
वो कहता है दोस्ती शोस्ती कुछ भी नहीं है मेरे लिए, सब कुछ कारोबार कारोबार। मेरे लिए माय फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस इज मनी। तो जो आज तक ये चीज उसके बारे में नहीं समझ सका ना, तो फिर आप उस बंदे को समझ ही नहीं सके। वो कहते सब कुछ मनी, सब कुछ पैसा है, सब कुछ दो नंबर है इस दुनिया में, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो डिस्काउंट भी नहीं देता बंदे को, लोग दौड़ दौड़ कर उसके पीछे जाते रहे, आज उसके नक्शे कदम पे चलकर आज जिले रुखवा रहे, क्योंकि आप उस बंदे की साइकी को नहीं समझ सके। उस बंदे ने एक जुमला बोला था, उसने कहा ये जितने भी ब्रीडर हैं, ब्रीडर ये जितने भी ब्रीडर हैं, जितने भी नामवर हैं, इन सब ने जिंदा किया है इंपोर्टरों को। आम फैंसियर जानता नहीं था इनको, ऐसे ही है। उनके जिंदा होने की वजह से ये लोग लवबर्ड के शौक की मां बहने करेंगे। मैंने कहा वो कैसे? वजाहत आम आदमी के समझने के लिए। वर्किंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि एक बर्ड खरीदो, उसको रिसेसिव जीन में डालकर उसके स्पिट्स तैयार करो, फिर कुछ और करो, फिर कुछ और करो, अगले साल ये करना है, फिर उसे अगले साल ये करना है। लोकल मार्केट में अल्बाइनो क्रिमिनो से ऊपर अभी तक म्यूटेशन जिसने अपग्रेड करना था, उसने डायरेक्ट येलो फेस ऑफ लाइन डनफेलो देख लिया। ऐसे ही वो गंद उस कीमत में आकर ला के फेंक देते हैं, आपके वर्किंग वाले सारे ब्रीडर्स परेशान। लेकिन ये किया सारा किसने था? आपने, आप लोगों ने। रात के अंधेरों में कराची जाते गए, इन जैसे बब्बर शेर जाते गए, बड़े कहते हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम 5,000 रुपए फी बर्ड बचा रहे हैं, 50,000 रुपए फी बर्ड बचा रहे हैं, 1,00,000 रुपए फी बर्ड बचा रहे हैं। इन्होंने कहा तुमने रेट गंदा नहीं किया। लेकिन आम आदमी को यह पता नहीं कि ये जो बब्बर शेर 1,50,000 का बर्ड बेच रहा है, इसने 1,50,000 का खरीदा नहीं। दुनिया को पता है ना प्रॉफिट रेशियो कर रहे हो तो आप ये आगे बेच रहे हो ना। तो ये रास्ता आप लोगों ने दिखाया, सारे मिलकर पिटो। लोकल ट्रेडिंग करता हूं, लोकल बाइंग करता हूं, लोकल सेलिंग करता हूं। ये आप इस चीज को मानते हुए नहीं करते सर। आपको आपने आपने याद है मुझसे एक सवाल पूछा था 5 साल पहले, शेख साहब तू तो बड़ा पी 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 पीप है, यानी मजाक में आपने कहा था कि यार इन्ना वड्डा तेरा ना शिपमेंट साहब की आनी चाहिए, आपके नाम की आनी चाहिए। आपने ये जुमला बोला था या नहीं? मैंने क्या बोला था? नहीं, मैं क्या नहीं करूंगा। और जो लोग कहते थे शेख के लिए अंगूर खट्टे हैं, मैंने एक दो दफा शिपमेंट्स खरीद कर भी दिखाई। मैं क्या, मुझे करना भी आता है, मुझे रातों रात बेचना भी आता है, और मैंने प्रैक्टिकल कर दिखाया। आज मैं उसका हामी नासिर नहीं हूं। तो अगर आप परेशान है कि एक बंदा 2 हफ्तों के लिए कराची जा रहा है वापस आ रहा है, आप किसी को रोक नहीं सकते। नहीं नहीं रोक नहीं सकते, वो नहीं ठीक है ना। आप किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकते। आज दुनिया बड़ी खुश है इस इंतजार में, शेख साहब मां पहने कर दे इंपोर्टरां दी, उन्होंने गंदा कर दे, बदनाम कर दे, ये कर दे। ओ भाइयो, आप ही तो उनके झोलियों में जाके बैठे हो, आपने तो उनके साथ कारोबार किया, आपका बर्ड मरा, आपका बर्ड ना बिका, आपके पास पक्ष की बीमारी आई, तो आज आप उनके खिलाफ हो गए। तो लिहाजा ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें आप सबका हाथ है, सब बैठ के रहो। ए ताड़ा मैं मुंह मीठा करावा सर? नहीं, नीचे से हो गया तो ये मिलेगा क्या बात है सर जी। ये मेरे आए थे स्पेशल गुड़ वाले, ये पनीरियां क्या बोलते हैं, ये अब्दुल वहीद साहब ने दिया था जो फैसलाबाद से आए थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने आपका अलग रखा हुआ था, चौधरी का अलग रखा हुआ था, तो हर एक ये आपका था। ये मैंने आपके घर लेकर आना था, जब मुझे पता चला पा रहे हो, मैंने फलकों का पैक कर दे। बड़ी मेहरबानी शेख साहब। यार ये लवबर्ड का ब्रीडर मुझे कह रहा है डब लगाओ, खुदा दा खौफ कर पाशा, खुदा दा खौफ कर। जो आप ऊपर कर रहे हो मुझे लगता है मुझे जी भी करना है आपने। हो सकता है टॉर्चर सेल बना रहा हूँ, टॉर्चर सेल वो हो सकता है, कैदियों को गिरफ्तार करके वहां पर रखूंगा ताकि दुनिया देखे इबरत का निशान। डायरेक्ट सनलाइट, बादलों का खूबसूरत व्यू, नीचे हरियाली, दरख्त, एवरी तैयार हो रही है। कमेंट सेक्शन में आके बताएं आपको क्या लगता है मैं क्या रखने लगाऊं यहाँ पे। देखो वो भी एवरी है, उसकी भी छतें मौजूद हैं, तो बिल आखिर ये सारा इतना तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन क्यों, यहाँ पे क्या लगने लगा है, कमेंट्स में आके बताएं। याद रखना मैं लवबर्ड का प्रमोटर था, लवबर्ड का प्रमोटर हूँ, और लवबर्ड का प्रमोटर रहूँगा इंशाल्लाह। हमारे कंस्ट्रक्शन के अक्सर काम ये डॉक्टर साकिब साहब करते हैं, और ये हमसाई हैं, वो उनका घर है ये टाइल वाला। आज ये कुछ शेर व शायरी सुना रहे थे मुझे, मैं कह खुदा दा खौफ करो। तुसी की करी सी सर? शेख साहब मेरे तोते चक लो, मैं तुहानू मिंदा करन निया वी ओ लै लो, पूरी दुनिया दे तोते वेची जांदे ओ, साडे कोलो तुसी चकदे नहीं पे, तुसी तुहाडी एवरी बनी हुई आ, तुसी बनवाई आ। मैं थक गया कह कह के, ओ मैनू एक शेर याद आ गया इकबाल दा,
कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं, बता तू मेरा साकी नहीं, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये बखीली है रजाकी नहीं। उन्हें एक शेर पढ़िया जी, साढ़े कोल तुम बैठे हो सेल का, थोड़ा काम है इन्ना वाला काम है, साढ़े तो उतने बैठे आ तो तुम लोगों के बहर लिया लिया के बेची जाते हो सारे, ये तो कोई शबकत करो साढ़े का। आपने वो दूसरी मिसाल सुनी, देखो शेर व शायरी आपको आते, आपने वो दूसरी मिसाल सुनी है कर दी मुर्गी दाल बराबर, तारीफ ही नहीं करते साड़ी यार, तुसी मनदे नहीं सानू, तुहानू मनवाना पैंदा, तुहानू दिखाना पैंदा कि इत्थे गांव विच बह के पूरी दुनिया आंदी है। 6 चक्कर ला ले या मैं तुहाडे कोल अज सुबह तो लैके हुण तक 6 चक्कर लग गए मेरे, बस यही है ना, आपने एक दिन में 6 चक्कर लगाए, आपको 6 दिनों में एक चक्कर लगाना चाहिए था। चौधरी साहब इन्हां नूं मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे। चलें इंशाल्लाह कल आपके पास आते हैं। ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू।